गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 2D। इसमें क्या है, इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px, रिमाइंडर विल बी 0। हमें क्या पता है, हमें पता है अगर हम किसी नंबर को, अगर gx px का फैक्टर है तो gx से px को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं जी एक्स पी एक्स का फैक्टर होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। हमें पता करना है जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। जैसे अभी हमने पीछे की एक्सरसाइज की है, बिल्कुल सेम काम करना है, हमें रिमाइंडर निकालना होगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पी एक्स की वैल्यू दिया एक्स क्यूब माइनस 8, जी एक्स दिया एक्स माइनस 2। आपको बताना है एक्स माइनस 2 यानी जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, यानी एक्स माइनस 2 से अगर हम एक्स क्यूब माइनस 8 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, जी एक्स माइनस जी की एक्स की वैल्यू को यानी एक्स माइनस 2 को इक्वल 0 के रख देंगे। अब एक्स माइनस 2 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, इधर जाके हो गया प्लस का, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ये जो x की वैल्यू है इसे हम px में डालेंगे, px की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 8, तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 8। 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 में से 8 किया आया 0। तो देखिए रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, इसलिए जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको यही पता करना है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है या नहीं। अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अब चेक करेंगे कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। जी एक्स यानी एक्स माइनस 3 को इक्वल 0 के रखा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई, माइनस का 3, उधर जाके प्लस का 3 हो गया। x इज इक्वल टू 3 को पी एक्स में पुट करेंगे। अब 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 45। 2 ऐसे x की जगह डालेंगे 3 का क्यूब प्लस 7 ऐसे x की जगह डालेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 24 ऐसे x की जगह डालेंगे 3 45 3 3 9 3 27 multiply by 2, 3 3 9 7 24 3 72, 3 4 12 का 2 carry 1, 3 2 6 1 7, 45 ऐसे। 2 और 27 को multiply करेंगे 54, 9 7 63, and ये 45 और माइनस 72 दोनों माइनस किए ऐड हो जाएंगे, 5 plus 2 7 एंड 4 and plus 11, 7 is 11। इन दो को ऐड करेंगे 117 minus 170, तो देखो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। और देखो अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं करने को दे रही हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। आपको यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो करना है जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये दिया हुआ है आपको थर्ड क्वेश्चन, पी एक्स है, ये जी एक्स है। क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल 0 यानी एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे किसमें, इन पी एक्स। ठीक है, फिर रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा तो आप कह देंगे कि ये इसका फैक्टर है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें भी आप x प्लस 2 को इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2, यानी इस x की जगह पे आपको क्या डालना है, माइनस 2 को डालना है। और फिर पी एक्स की वैल्यू अगर 0 आएगी तो आप कह दोगे जी एक्स इसका एक फैक्टर है। सेम काम आपको इस क्वेश्चन करना है, x प्लस 3 इक्वल 0 यानी x की वैल्यू आपको डालनी है माइनस 3, इसमें x की जगह माइनस 3 डालनी है। अगर आंसर 0 आएगा तो आप कहोगे जी एस इसका एक फैक्टर है। सेम क्वेश्चन आपको 6 करना है। ठीक है, अब मैं आपको 7 करके दिखाता हूँ।
पी एक्स दिया है क्यू, जी एक्स दिया है टू एक्स माइनस थ्री। आपको पता करना है जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है या नहीं। क्या करेंगे, जी एक्स को इक्वल जीरो डाला और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करी, माइनस का थ्री, जीरो के अदर साइड जाके थ्री प्लस का हो गया, टू डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, थ्री अपॉन टू। ये x की वैल्यू पी एक्स में x की जगह पर पुट कर देंगे, देखिए टू एक्स क्यूब है तो टू इंटू थ्री बाई टू की पावर फोर, प्लस एक्स क्यूब है तो थ्री बाई टू का क्यूब, माइनस एट एक्स स्क्वायर है थ्री बाई टू का स्क्वायर, माइनस एक्स है माइनस थ्री बाई टू प्लस सिक्स। टू ऐसे टू टू जब फोर टू जाइट, इसे मल्टीप्लाई करेंगे फोर टाइम्स इट सेल्फ, हाँ तो कितना आ जाएगा, टू टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा एटी वन, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, टू टू जा फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा नाइन, टू टू जा फोर एट, ऐसे ये ऐसे उतर गया। टू से इसको कट करा बेटा एट आ गया, ट्वेंटी सेवन अपॉन एट, माइनस नाइन एट का सेवेंटी टू अपॉन फोर, बाकी ऐसे उतर गया। अब ये दोनों का एलसीएम सेम था इसलिए इसको ऐड कर लिया, एलसीएम हो गया एट, एटी वन और ट्वेंटी सेवन डायरेक्ट आ जाएगा, सेवन प्लस वन एट, टू और एट हो गया टेन। अब हंड्रेड एट अपॉन हंड्रेड एट अपॉन एट, माइनस सेवेंटी टू अपॉन फोर, माइनस थ्री अपॉन टू, प्लस सिक्स अपॉन वन, इसका बीटा एलसीएम लेंगे तो आएगा एट। एट से एट को डिवाइड किया है वन, वन और हंड्रेड एट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एट, फिर फोर से इसको करेंगे टू, सेवेंटी टू टू जा सेवेंटी टू, टू जा आएगा वन फोर्टी फोर, टू से एट को डिवाइड करेंगे फोर, थ्री जा ट्वेल्व, बेटा ये ट्वेल्व लिखा है, प्लस वन से एट को डिवाइड करेंगे एट, सिक्स जा फोर्टी एट। अब क्या करा, ये और ये दोनों प्लस के नंबर जोड़ेंगे वन फिफ्टी सिक्स, ये दोनों माइनस के जोड़ेंगे माइनस का वन फिफ्टी सिक्स, क्या आ गया ऊपर जीरो अपॉन एट, मीनिंग इज जीरो, इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे एट, एट क्वेश्चन में आपको पी एक्स की वैल्यू दी है थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस टू। आपको पता करना है जी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, इसका एक फैक्टर है या नहीं। सेम काम करेंगे, जी एक्स की वैल्यू को जीरो के इक्वल रखा, माइनस का टू पर जाके प्लस का हो गया, थ्री टी फाइव में गया, एक्स की वैल्यू हो गई टू अपॉन थ्री। अब क्या करेंगे, पी एक्स में इस एक्स की वैल्यू को डाल देंगे, थ्री ऐसे क्यूब टू अपॉन थ्री की होल पावर थ्री, एक्स स्क्वायर तो एक्स ही टू अपॉन थ्री होल पावर टू, माइनस ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी टू अपॉन थ्री प्लस ट्वेल्व अपॉन वन कर दिए। अब क्या करेंगे बेटा, थ्री ऐसे टू टू जा फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, टू टू जा फोर थ्री थ्री जा नाइन, माइनस ट्वेंटी टू जा फोर्टी अपॉन थ्री प्लस ट्वेल्व अपॉन वन। अब हम देख रहे हैं ये ट्वेंटी सेवन से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देते हैं थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, तो ये हो गया बेटा एट अपॉन नाइन, ये हो गया फोर अपॉन नाइन, ये हो गया फोर्टी अपॉन थ्री, ये हो गया ट्वेल्व अपॉन वन। अब इन सब का हम एलसीएम लेंगे, कितना हो गया नाइन, ठीक है। अब नाइन से नाइन डिवाइड हुआ वन, एट जा एट, नाइन से नाइन डिवाइड हुआ वन, फोर जा फोर, थ्री से नाइन को डिवाइड करेंगे आएगा थ्री, फोर्टीन जा वन ट्वेंटी, वन से नाइन को डिवाइड करेंगे नाइन, ट्वेल्व जा हंड्रेड एट। अब देखिए ये हो गया आपका ट्वेल्व और ये हो गया हंड्रेड एट, ट्वेल्व और हंड्रेड एट हो गया वन ट्वेंटी, माइनस वन ट्वेंटी, प्लस और माइनस मिलकर आ गया जीरो अपॉन नाइन, मीनिंग इज जीरो। अब देखो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, रिमाइंडर जीरो। अब चूंकि इसकी वैल्यू जीरो आई है इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ में भी सेम काम है, ये आपको पी एक्स दिया है, जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस रूट टू। आपको पता करना है जी एक्स
पी एक्स का एक फैक्टर है या नहीं। अगर हम इससे इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, जीरो। तो हम सेम प्रोसेस से रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल लेंगे। हम x माइनस रूट टू को इक्वल रखेंगे जीरो के, माइनस का नंबर इधर जाएगा तो क्या हो गया, प्लस का। x की वैल्यू रूट टू डालेंगे इसमें इन पी एक्स, यानी पी रूट टू निकालेंगे। सेवन एक्स स्क्वायर है तो सेवन रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर रूट टू, एक्स की जगह रूट टू माइनस सिक्स, सेवन ऐसे। रूट टू का स्क्वायर होता है बेटा टू, रूट टू इंटू रूट टू टू होता है। फोर ऐसे रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, सिक्स ऐसे। सेवन टू जा फोर्टीन, फोर टू जा एट माइनस सिक्स। अब माइनस और माइनस एडिशन, एट माइनस सिक्स इज फोर्टीन, फोर्टीन में से फोर्टीन गया बचा जीरो। अब आपने देखा कि पी रूट टू की वैल्यू क्या आई, जीरो, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब एक्स माइनस रूट टू इसका एक फैक्टर है। आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।